हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज मैं लेके आया बहुत ही पावरफुल मशीन। जी हाँ, पहले आज से कुछ समय पहले हम कहेंगे इस मशीन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम एज अ सर्वर यूज करते थे। एचपी ने लॉन्च किया है अपनी ओमेन के अंदर एक ट्रांजेंट सीरीज जो पावरफुल के साथ साथ लाइट वेट भी है। एक आपका बॉक्स ही देख रहे होंगे, आप बॉक्स सोच रहे हो यार इतना बड़ा बॉक्स है तो लैपटॉप कितना बड़ा होगा। चलिए ये सस्पेंस हटाएंगे और इस लैपटॉप को आज अनबॉक्स करेंगे। जी हाँ, आज मैं लेके आया हूं ओमेन का U0005TX i7 13 जनरेशन HX प्रोसेसर के साथ। इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे और फिर इस लैपटॉप को देखेंगे, इसकी सारी डिटेल देखेंगे। और ये बॉक्स इतना बड़ा क्यों है, लैपटॉप ही नहीं है, इसके अंदर एचपी ने आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी दिया है। जी हाँ, अभी लैपटॉप खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर एचपी ने आपको क्या सरप्राइज गिफ्ट दिया है। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, वीडियो बड़ी धमाकेदार होने वाली है, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। इस लैपटॉप को भी हम बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाएंगे। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। चलिए दोस्तों लैपटॉप को करते हैं ओपन। बहुत बड़ा बॉक्स है ये, देखिए सरप्राइज गिफ्ट जो एचपी ने दिया। जी हाँ, हाइपर एक्स का क्लाउड 2 कोर वायरलेस हेडफोन। जी हाँ, इसके बारे में भी मैं सोच रहा था क्योंकि हाइपर एक्स बहुत ही गेमिंग एसेसरीज मैन्युफैक्चर करता है जिसका एचपी से टाइप है। इसके आप माउस देखेंगे, गेमिंग माउस आते हैं, गेमिंग हेडफोन। मैं सोच रहा था एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए भी मैं आपको दिखाता हूं। बड़ा जबरदस्त हेडफोन है ये देखिए, जो एचपी इस लैपटॉप के साथ फ्री दे रहा है। जी हाँ, वो इनबॉक्स करके दे रहा है, आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, वायरलेस है हेडफोन। इसके बारे में भी मैं आपको सारी डिटेल में फिर कभी एक नई वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ और भी आते हैं, वायरलेस माउस भी आते हैं, उसकी भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप के बारे में। देखिए जब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी ना मैंने, खैर मैंने तो आप ये बस सोचे मैंने इसका वेट पढ़ लिया था, लेकिन मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि i7 13 जनरेशन में है 1 TB और 8 GB का 4070 NVIDIA GTX ग्राफिक्स है। तो आपके माइंड में यही आएगा यार 2.5 किलो की 3 किलो की मशीन होगी, लेकिन नहीं, ये सिर्फ 2.09 kg का लैपटॉप है। मोस्ट में बाद में बताते हैं, लेकिन आप देखेंगे 16 इंची का लैपटॉप है ये। जी हाँ, 16 इंची का ओमेन, क्या जबरदस्त बैक पैनल है आपको देख रहे लग रहा होगा। ये टेम्पेस्ट कूलिंग के साथ आता है, इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं अभी और बॉक्स में क्या क्या है। एक गिफ्ट तो मिल गया हमें, कि देखिए इसमें मैनुअल के साथ है पावर अडेप्टर। देखने में आप देखेंगे कितना बड़ा पावर अडेप्टर है, देखते हैं 230 वाट का पावर अडेप्टर दिया है एचपी ने इसमें आपको, और ये प्रीमियम पावर को। तो नॉर्मली सब लैपटॉप में जो जो होता है लैपटॉप के बॉक्स में वही इसमें है। इसमें हमारे पास एक वायरलेस हाइपर एक्स का हेडफोन इसके साथ फ्री मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं लैपटॉप के बारे में। तो दोस्तों लैपटॉप हमारे सामने है। देखिए अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ओमेन की बिल्ड क्वालिटी पे तो आप वैसे भी डाउट नहीं कर सकते, जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी होती है ओमेन लैपटॉप्स की। देखेंगे आप, मैंने इसका बैक पैनल आपको दिखाया था, इसका बैक पैनल देखिए, ये आपका थोड़ा स्पेस है, ये पूरा वेंटिलेशन दे रखा है कूलिंग के लिए, राइट। लैपटॉप को ओपन करते हैं। देखिए अगर मैं वॉबलिंग की बात करूं तो मुझे इसमें वॉबलिंग नहीं दिखाई दे रही, कि जहां पे आप इसको छोड़ेंगे ये मोस्टली वहीं अटक जाएगा, जिस पोजीशन पे आप छोड़ते हैं तो वहीं अटक जाएगा, और थोड़ी सी भी जैसे कहते हैं ना बिल्कुल स्लाइटली वही है इसके अंदर वॉबलिंग, इससे ज्यादा नहीं है इसमें, राइट। ये देखते हैं, देखिए 16 इंची की मशीन है, आपको दिखाई दे ही रही होगी कितनी जबरदस्त मशीन है। इसे ऑन करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और इसके इसका भी बैक पैनल ओपन करेंगे, राइट। उसके बाद इसके प्राइस देखेंगे, एचपी ने किस प्राइस बैंड में इसको लॉन्च किया। दोस्तों लैपटॉप हमारा बूट अप हो गया है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। उससे पहले देखते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स एचपी ने क्या क्या दिए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके पोर्ट्स। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमें सिर्फ एक पोर्ट दिखाई देता है जो है USB Type-A 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ, जिससे आप एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लैपटॉप के राइट साइड में देखते हैं तो हमें 2 पोर्ट दिखाई देते हैं, थंडरबोल्ट टाइप सी 40 Gbps सिग्नल रेट के साथ, आप लैपटॉप भी इससे चार्ज करना चाहें तो कर
सकते हैं। और एक पोर्ट आपको दिखाई देता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, आप इसे हेडफोन माइक कनेक्ट कर सकते हैं या एक्सटर्नल स्पीकर भी आप लगा सकते हैं। अगर हम कीबोर्ड देखेंगे तो आपको इसमें फुल साइज कीबोर्ड मिलेगा RGB बैकलिट के साथ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की। प्रोसेसर है इसका i7 13th Gen 13700HX। नॉर्मली एच प्रोसेसर आते हैं गेमिंग में, लेकिन इसमें HX है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए बेस स्पीड आपको दिखाई देगी 2.1 GHz की बेस स्पीड है, लेकिन टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है कि ये बूस्ट अप होके 5 GHz तक जाता है। अगर हम कोर्स की बात करेंगे तो 16 कोर का प्रोसेसर है ये। मैं आपको ये भी बता दूं 16 कोर है, इसके अंदर परफॉर्मेंस कोर की अगर हम बात करते हैं तो 8 परफॉर्मेंस कोर है और 8 एफिशिएंट कोर है। तो जो 8 एफिशिएंट कोर है उसके लिए मैक्सिमम टर्बो स्पीड आपकी 3.7 GHz तक ही रहती है। तो अगर हम बात करेंगे जो फुल कैपेसिटी 5 GHz तक जाएंगे वो 8 कोर्स ही जाते हैं। L3 कैश की बात करेंगे तो 30 MB की इसमें L3 कैश है। 16 GB की रैम है DDR5। स्पीड की बात करेंगे 4800 MHz की। दो स्लॉट है, दोनों यूज है। लैपटॉप को ओपन करेंगे जब देखेंगे कि सोल्डर है या अलग से लगी हुई है। हाइनेक्स की 1 TB की SSD इसमें लगी हुई है, जिसकी कैपेसिटी आपको 954 GB आपको मिलती है। Wi-Fi 6E आपको इसमें मिलता है। Wi-Fi गेमिंग लैपटॉप में तो वैसे भी कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। USD ग्राफिक्स, लेकिन जो मेन इसमें ग्राफिक्स है वो है NVIDIA GeForce RTX 4070। जी हाँ, बड़ा जबरदस्त ग्राफिक्स है इसके अंदर। डेडिकेटेड ग्राफिक्स है 8GB का इसमें डेडिकेटेड है और 7.9 GB शेयर्ड है, टोटल 15.9 GB। देखिए जो हमारे लिए मेन होता है वो है डेडिकेटेड ग्राफिक्स, इसके अंदर 8GB का डेडिकेटेड 4070 RTX ग्राफिक्स आपको मिलता है। जो आप ये कहें कि आपने कोई भी हार्ड कोर गेमिंग्स वगैरह, सबके लिए सफिशियंट है। अगर हम लैपटॉप की स्क्रीन की बात करेंगे तो 16 इंचीज आपको इसमें स्क्रीन मिलती है WQXGA, और साथ में रिजोल्यूशन देखते हैं तो 2560:1600 आपको इसका रिजोल्यूशन मिलता है। 240Hz की रिफ्रेश रेट है आपको इसमें, 240Hz की स्क्रीन है। 7ms रिस्पॉन्स टाइम, IPS डिस्प्ले है, माइक्रो एच एंटी ग्लेयर लो ब्लू लाइट के साथ। निट्स की बात करेंगे तो 400 nits और 100% sRGB के साथ आपको पावर पैक स्क्रीन मिलती है। अगर हम कैमरा देखें तो HP ट्रू विजन 1080p फुल HD IF कैमरा मिलता है आपको इसमें, विद टेम्पल नॉइस डिटेक्शन एंड इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन्स के साथ, और इसमें आपको प्राइवेसी शटर भी मिलता है। तो दोस्तों चलिए लैपटॉप को ओपन करते हैं। ओपन मतलब ऐसा ओपन नहीं, फिजिकली ओपन, इसका बैक पैनल ओपन करके आपको दिखाते हैं। देखिए बड़ी महंगी मशीन है और आप लोगों के लिए सिर्फ हम नई मशीन को ओपन कर रहे हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए दो फैन हमारे हैं, एक हमारे ग्राफिक्स के लिए है, एक प्रोसेसर के लिए है। एक फैन अटैच है प्रोसेसर पे और एक ग्राफिक्स को कूल करने के लिए। देखिए काफी बड़े फैन आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब ग्राफिक्स होता है तो लैपटॉप हीट करता है उनको कूल रखने के लिए। यहाँ आपको दो रैम दिखाई दे रही है, जैसे हमने देखा था 4800 MHz की रैम थी, इसमें दो रैम आपकी लगी हुई है। आप दोनों ही अपग्रेड कर सकते हैं, दोनों रिमूव करके 16 की लगी हुई है टोटल 8-8 GB की। आप चाहें तो 16-16 GB लगा सकते हैं या 32-32 GB भी लगा सकते हैं। ये लैपटॉप 64 GB तक इजीली अपग्रेड हो जाएगा। यहां देखिए ये आपकी है SSD, ये भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको रिमूव करके ही करनी पड़ेगी। रैम और SSD दोनों ही आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग जो SSD और हार्ड रैम लगी है दोनों ही रिमूव करनी पड़ेगी। यहां हमारा वाईफाई है, वाईफाई ब्लूटूथ। ये हमारी 6L की बैटरी है 97 वर्क आवर्स के साथ। यहाँ पे दो B&O के स्पीकर्स आपको मिलते हैं। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया U0005TX ओमेन को। देखिए ओमेन अगर आप नाम आता है तो वो सबके दिमाग में आ जाता है पावरफुल गेमिंग मशीन, और प्राइसेस होता है हमेशा इसका 1 lakh से अबाउ। मोस्टली ओमेन गेमिंग लैपटॉप के आपको प्राइसेस ऐसे ही मिलेंगे। अब हम इस मशीन के बारे में बात करते हैं। देखिए गेमर को क्या चाहिए, हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन हमने देखी, WXGA की स्क्रीन है, ठीक है, 240Hz की स्क्रीन है। मोस्टली अगर आपकी 144Hz भी होती है तो गेमिंग
जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसकी स्क्रीन जो है वो 240 हर्ट्ज की है। प्रोसेसर आपका i7 HX सीरीज में है। ग्राफिक्स 4070 RTX है, वो भी 8GB। अगर हम कूलिंग की बात करेंगे, टेम्पेस्ट कूलिंग ओमेन ने इसमें दिया है, जो ओमेन क्लेम करता है कि आपकी जितनी भी पावरफुल गेमिंग्स होगी, आप प्ले करिए, कितना भी टाइम प्ले करिए, ये हीट नहीं करेगा। देखिए, गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज हीटिंग का ही होता है। इसलिए आज तक हमने जितने भी गेमिंग लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग करी, आपने देखा होगा सब में डबल फैन होता है। आपने इस लैपटॉप को भी देखा, इसमें भी आपने देखे डबल फैन लगे हुए हैं, वो सिर्फ लैपटॉप को कूल करने के लिए होते हैं। देखिए, डबल फैन गेमिंग में क्यों होता है, क्योंकि गेमिंग आप जब करते हैं, या ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैं आपको साथ में ले लेता हूं, ये लैपटॉप ग्राफिक डिजाइनिंग के भी काम आता है। आप 4K ग्राफिक्स की डिजाइनिंग करनी हो तो ये परफेक्ट लैपटॉप है। देखिए, जब ग्राफिक डिजाइनिंग होता है, जब गेमिंग हो रही होती है, क्या होता है कि आप फुल पावर के साथ इसे यूज कर रहे होते हैं, और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपको नहीं पता कितना टाइम से आप उसको यूज कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। नॉर्मली लैपटॉप होते हैं वो हीट होते हैं और बंद हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गेमिंग लैपटॉप इसलिए थोड़े हैवी होते हैं और उनके अंदर कूलिंग आपको कैपेसिटी मिलती है, कूलिंग होती है, डबल फैन होता है, इसलिए वो थोड़े से हैवी भी होते हैं। एचपी ने इस लैपटॉप को पूरा ध्यान रखा है और सबसे बड़ी बात, इसको लाइट वेट करने की भी काफी कोशिश करी है। देखिए, अगर नॉर्मली 15.6 इंच के गेमिंग लैपटॉप भी हम देखेंगे तो वो 2.5 kg के होते हैं। ये 16 इंची इतनी पावरफुल मशीन सिर्फ 2.09 kg में एचपी ने दी है। एचपी ने इसमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा है। जैसे अगर आप इसका RGB कीबोर्ड देखेंगे तो जो ASDO W के ऊपर, जैसे वैलोरेंट खेल रहे होते हैं तो नॉर्मली गेमर का हाथ इन्हीं 3 कीज के ऊपर होता है, और राइट में आप राइट हैंड जो होता है वो माउस में होता है फायरिंग करने के लिए। तो एचपी ने उन कीज को भी अलग से हाईलाइट किया है। जब आप कीबोर्ड देख रहे थे तो उसके अंदर आपने दिखाई दिया था थोड़ा सा, इन 3 कीज के ऊपर लाइट आपको डिफरेंट दिखाई देती है। आप ये मत सोचिएगा वो फेड हो गया लैपटॉप वहां से, ऐसा कुछ नहीं है। लैपटॉप उस इन कीज को एचपी ने इंटेंशनली हाईलाइट किया है गेमर्स के लिए। चलिए, हमने सारी बात कर ली, हमने इसकी बात प्राइसिंग की नहीं करी। आप सोच रहे होंगे इतनी पावरफुल मशीन है तो नेचुरली 3 लाख या 4 लाख रुपए की होगी, लेकिन एचपी ने इसकी प्राइसिंग भी बहुत ही जेन्युइन रखी है। अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के अंडर में आपको ये मशीन मिल जाएगी। जो SRP एचपी ने लॉन्च करी, आप एचपी की वेबसाइट पे देखेंगे 2,09,000 की ये मशीन है, लेकिन मार्केट में आपको, आप एचपी वर्ड पे जाएंगे, आपको डिस्काउंट्स पे मिल जाती है। नॉर्मली 2 लाख और 2,09,000 के भी अप्रॉक्स आपको ये मशीन मिल जाएगी। उसके अंदर आपको 10,000 के अप्रॉक्स का ये हाइपर एक्स का हेडफोन आपको मिल ही रहा है। आपको हाइपर एक्स की वारंटी भी एचपी के सर्विस सेंटर पे ही मिल जाती है। आपको अगर हाइपर एक्स के और भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं तो आप नियरेस्ट एचपी वर्ड पे जाएंगे, या आपके आसपास कोई ओमेन प्ले ग्राउंड है जो एचपी ने अपने गेमिंग स्टोर्स ओपन किए हैं, तो आप वहां पे भी आपको हाइपर एक्स की पूरी रेंज मिल जाती है। देखिए, एचपी अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी एचपी की ऑफर और भी चल रही है ओमेन में। एचपी अपने ओमेन लैपटॉप के साथ मोस्टली हाइपर एक्स का सोलो कास्ट आता है, जो माइक होता है, वो 999 रुपीज में ही ऑफर कर रहा है। जब भी आप कोई भी गेमिंग लैपटॉप एचपी का लेने की सोचे तो आप अपने नियरेस्ट गेमिंग एचपी वर्ल्ड पे जरूर जाइएगा। ओमेन प्लेग्राउंड के नाम से आप जब भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑफर जरूर मिलती है। एचपी इस लैपटॉप के साथ आपको 1 ईयर की वारंटी, ऑन साइट वारंटी दे रहा है। अगर आप इसको अपग्रेड कराना चाहेंगे तो आप जब भी एचपी वर्ल्ड पे लेने जाएंगे तो आप वहां पे एग्जीक्यूटिव से जरूर पूछेगा, वो आपको ऑफर बता देगा। टाइम टू टाइम ऑफर चेंज होती रहती है। और अगर आपको एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी चाहिए, बड़ी हैवी मशीन है, कॉस्टली है, अगर आप एक्सीडेंट डैमेज चाहते हैं कि कोई भी इसका डैमेज हो 3 साल तक, तो आप वो भी एग्जीक्यूटिव से जरूर पूछेगा, वो आपको बता देगा उस टाइम क्या प्राइस चल रहा है। मोस्टली एचपी हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे ही अपग्रेड करता है। एक बात मैं और बता दूं, कभी भी एक्सटेंडेड वारंटी आप थर्ड पार्टी मत लीजिएगा, किसी भी मल्टी ब्रांड स्टोर से, किसी भी थर्ड पार्टी से आप मत लीजिएगा, वो आपको नहीं मिलेगी। हमेशा ही एचपी वर्ल्ड से ही या एचपी से ही आप एक्सटेंडेड वारंटी कराइएगा, वही आपको बेनिफिट देगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम किसी पार्ट को कवर करने से रह जाएं तो वो भी आप हमें जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में उसको कवर करने की।
तो दोस्तों वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।